चार बार के डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को कांग्रेस पार्टी ने मंडला लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। INS 24/7 को धन्यवाद देते हुए ओमकार सिंह मरकाम ने कहा है कि आपका चैनल घोषणा से पहले से ही प्रत्याशी पर मुहर लगा देता है। बता दें कि ओमकार सिंह मरकाम दूसरी बार लोकसभा चुनाव मंडला से लड़ रहे हैं और 2014 में फग्गन सिंह कुलस्ते से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से मुकाबला करने मैदान में उतरे हैं। बार के विधायक डिंडोरी के कांग्रेस ने इनको मंडला लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। लगातार चार बार का विधानसभा का जो इन्होंने चुनाव जीता है, जनता इनके प्रति कितनी समर्पित है। हम बात करेंगे ओमकार मरकाम जी से कि लोकसभा चुनाव को वो किस नजरिए से देखेंगे। मंडला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जो जिम्मेदारी दी गई है मुझे इस बात पे प्रसन्नता है कि हम देश की अखंडता संप्रभुता देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जिस तरह से कांग्रेस की लड़ाई चल रही है उसमें हम हमारे संसदीय क्षेत्र से जनता के आशीर्वाद प्राप्त करके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सहयोग करेंगे और एक जो देश के अंदर भय का वातावरण है, देश के अंदर जो अहम के साथ लोकतंत्र को कमजोर करने वाले ताकत आज काम कर रहे हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा दे करके हमारे देश के नौजवानों को बेरोजगार करके किसानों को इन न्याय नहीं दे रहे हैं, किसानों के लिए रास्ते में खीला ठोंकने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे अहंकारी जो वर्तमान के केंद्र की सरकार है उसको रोकने के लिए हम काम करेंगे। INH न्यूज ने आपकी लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के पहले से ही बता दिया था कि ओमकार मरकाम लड़ेंगे। हमारे सभी जो चैनल के साथी हैं, खास करके आपके चैनल में जो मेरे भविष्य के विषय में जो चर्चा करके पहले से ही जो संभावना व्यक्त किया गया था, ये आपका अपनापन है और मुझे विश्वास है कि ठीक है, राजनीति क्षेत्र में हम दलीय आधार पे काम कर रहे हैं, आप चैनल के आधार पे काम कर रहे हैं, पर आपका हमारा मन एक है, काम एक है, विचार एक है। INH न्यूज के लिए सुरेंद्र सोनी डिंडोरी से।